नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 24 जुलाई 2024। मैं हूं संजय सिंह महान और आज हम लाए हैं बुंदेलखंड की ताजा खबरें। आई शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ। बुंदेलखंड की खबरों को देखने के पहले देखते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरें। न्यू रेजिम में 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री, नीतीश को 58.9 हजार करोड़, नायडू को 15 हजार करोड़ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बोले 2 दिन में फाइनल रिजल्ट जारी होगा। भारतीय महिला टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची, नेपाल को 82 रन से हराया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक जवान शहीद, कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। रायबरेली में फर्जीवाड़ा, आबादी से ज्यादा बना दिए गए जन्म प्रमाण पत्र। बजट में यूपी को मिले 2,44,000 करोड़ रुपए, नौकरी और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। अब करते हैं बुंदेलखंड की खबरों की शुरुआत। हमीरपुर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद। हमीरपुर में चोरी की दर्ज कराई FIR तो कोतवाली से आया फोन, बोले खर्चा पानी की व्यवस्था करो। केंद्रीय कारागार नैनी से महोबा का काली चरण हुआ फरार। महुआ में घटतौली व नए राशन कार्ड नहीं बनने से भड़के लोग। उरई में धमाके से फूका 400 केवीए का ट्रांसफार्मर। आटा में सड़क हादसे में युवक शिवम की हुई मौत, दोस्त गंभीर। उरई में आशा से भुगतान के नाम पर वसूली। कालपी में खेत में लौट रहे किसान को ट्रक ने कुचला, हुई मौत। नरेनी में बच्चे छीन कर ले जाने से नाराज महिला ने कोतवाली के बाहर खाया जहर, हुई गंभीर। बांदा में छोटे भूखंडों पर भी बनेंगे होटल और पेट्रोल पंप। बांदा में किशोरी रुचि ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बांदा की सिंहपुर माफी चौकी पर जिला पंचायत सदस्य से अवैधता मोबाइल तोड़ा। बांदा फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या का लगाया आरोप। पहलाने में दुष्कर्म के आरोपी कथित डॉक्टर की संपत्ति कुर्क। जहां भरा जाएगा पानी वहां 10 मिनट रुकेगी ट्रेन। झांसी में स्ट्रेचर नहीं मिला तो उठा कर ले गया पत्नी का शव। झांसी में टिफिन संचालक को ट्रैक्टर ट्राली ने कुचला, हुई मौत। ललितपुर में 3 सचिवों का हुआ निलंबन। ललितपुर में पत्नी के प्रेमी को चाकू घोप कर मार डाला। सागर में कृषि यंत्र, ऑटो, मोबाइल की दुकान में लगी आग। 3 फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, पहली मंजिल पर सो रहा था परिवार। छतरपुर पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार, 30 लाख की संपत्ति की जब्त। अभी फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी। दमोह के स्कूल में बंदर का आतंक, 1 सप्ताह से स्कूल जाने से डर रहे बच्चे, एक छात्रा को काटा। पन्ना में दिन भर छाए रहे बादल, बारिश सिर्फ बूंदाबांदी तक सीमित रही। जिले में अब तक 308.5 मिलीमीटर पानी गिरा। टीकमगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश, 30 सितंबर जन्मतिथि वाले बच्चों को कक्षा पहली में मिलेगा प्रवेश। केंद्रीय मंत्री ने लिखा था पत्र। ये थी आज की प्रमुख खबरें बुंदेलखंड से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।